Hello and welcome to Intelligent Education System. Today we are going to discuss Chapter 11, Paintings of the Contemporary Modern Indian Artist. Study the following paintings of the contemporary modern Indian artist. इसमें से आपके इस बार के एग्ज़ाम में जो है चार पेंटिंग आएंगे. तो हम लोग पहले एग्ज़ाम में जो आने वाले कोर्सेज हैं, मीन्स पेंटिंग्स है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं. फिर बचे हुए 10 पेंटिंग्स होंगे, उसको मैं आराम से बाद में अपलोड करूँगी. ओके, राम वैनिशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, ये इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, शुरू से ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है. ठीक है, नेम है पेंटिंग का राम वैनिशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, पेंटर इज़ राजा रवि वर्मा, पीरियड मॉडर्न, मीडियम ऑयल कलर ऑन कैनवस, सिरका लेट 19th सेंचुरी, कलेक्शन चित्रशाला मैसूर कर्नाटक. सबका कलेक्शन जनरली सेम रहता है, जो कि न्यू दिल्ली का मॉडर्न गैलरी है. ओके, बट इसमें चित्रशाला है जो मैसूर कर्नाटक का है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, इस पेंटिंग को थोड़े ध्यान से हम लोग देख लेते हैं. पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, श्री राम जी को दिखाया गया है गुस्से में, उनके कपड़ा, उनका जो कपड़ा है वो हवा में लहरा रहा है, जिससे हम हवा का स्पीड पता कर सकते हैं. ओशन रॉक्स पे आके जा रहे हैं, तो ये वाइटी कलर के हो जाते हैं, जो मिल्क जैसा दिख रहा है. और ये रॉक पे खड़े हैं समुद्र के किनारे, और अपना तीर धनुष पकड़ा हुआ है उन्होंने. एंड जो यहाँ थ्री ह्यूमन फिगर दिखाए गए हैं, वो गॉड हैं, ये ओशन के गॉड हो सकते हैं. एंड जो साइड में दो फिगर है वो एक्वेटिक लाइफ के कोई गॉड हो सकते हैं. एंड ये जो लाइटनिंग दिखाया गया है, ये जो इस पेंटिंग में मेन अट्रैक्शन, ये एक अलग सा सिंगल सा लाइटनिंग ही ले रहा है, राइट? तो ये भी आपको मेंशन करना होगा. वो हाथ उठा के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं राम जी से कि वो जो है समुद्र के पूरे पानी को ना सुखा दे, बिकॉज जब राम भगवान ने उनसे ओशन के गॉड से रास्ता मांगा कि वो श्रीलंका तक पहुँच जाए, तो उन्होंने मैंने समुद्र जो है थोड़ा भी पीछे नहीं हटा, तो इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया. एंड ये तब का सीन है. ठीक है, इन द लेट ऑफ द 19th सेंचुरी राजा रवि वर्मा हैड पेंटेड दिस पेंटिंग विद द ऑयल कलर्स, उन्होंने ऑयल कलर से पेंट किया. द थीम ऑफ द पेंटिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वाल्मीकिज रामायण, वाल्मीकि के रामायण से ये सीन लिया गया है. इन विच श्री राम हैज़ बीन शोन वैनिशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, ओशन का जो घमंड है, गुरूर है, उसको तोड़ते हुए दिख रहे हैं. एंड वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ रामायण, श्री राम टुगेदर विथ हिज मंकी आर्मी प्रिपेयर टू गो टू श्रीलंका शो दैट सीता कुड बी गॉट रिलीज फ्रॉम द क्लचेस ऑफ रावण. राम जी को जब वो अपने बंदर वानर सेना के साथ गए थे एंड श्रीलंका जाना था, तो सीता जी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए, उनके जो रावण उन्हें पकड़ के ले गए थे उनको वापस लाने के लिए ये हो रहा है. बट द ह्यूज ओशन हैज ब्लॉक देयर वे, श्री राम रिक्वेस्टेड द ओशन टू गिव देम वे, बट द ओशन डिड नॉट ब्लज इवन अ इंच. राम भगवान ने ओशन से, ओशन गॉड से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा मीन्स रास्ता दे दीजिए, तो वो ओशन जो है एक इंच भी पीछे नहीं गया, या थोड़ा सा भी जगह नहीं दिया. मतलब ये श्री राम बींग एंगर टेक अप हिज बो एंड वॉन्ट्स द ओशन टू इरेडिकेट दैट. श्री राम जी अपना तीर धनुष लेते हैं और ओशन को वॉन्ट कहते हैं कि वो माफ़ी मांग ले जो उन्होंने गलती की है. राजा रवि वर्मा's artist minded give the shape to that moment, ये उस मोमेंट को पेंटिंग के द्वारा शेपिंग किया गया है. श्री राम हैज़ बीन शोन ऑन द रॉक ऑफ द शोर नियर ओशन, ओशन के किनारे दिखाया गया है, इन एंग्री मूड होल्डिंग हिज बो इन हिज लेफ्ट हैंड एंड एन एरो इन हिज राइट हैंड, हिज क्लोथ गिविंग द फीलिंग ऑफ ब्लोइंग एयर, हवा के उड़ने का बता रहा है, जो मैंने पहले बता दिया. द वेव्स एडवांसिंग वेरी स्विफ्टली फ्रॉम द ओशन टूवर्ड द शोर, किनारे तक बहुत सॉफ्टली जो है समुद्र का पानी आ रहा है. श्रिंकिंग ऑफ द रॉक सीम्स टू बी डिसअपीयरिंग लाइक वाइट मिल्क, सफ़ेद सफ़ेद झाग जो बनता है वो वाइट मिल्क जैसा दिख रहा है. Where as in the middle of the distant wave has been shown three human figure in the middle of the big shape of the ocean, the god of sea, who has shown lifting both his hands up requesting Sri Ram not to do so, while two small shapes of the god of aquatic creatures who are frightened and
इन ट्रीटिंग श्री राम फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ देयर क्रिएचर्स, मीन्स वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि जो अगर पूरा ओशन को सुखा दिया जाए तो एक्वेटिक फ्लोरा फाउना मीन्स जो क्रिएचर एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है मैनकाइंड के लिए भी। तो वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि जो उन्होंने किया उसके लिए उन्हें माफ़ कर दें। इन द बैकग्राउंड अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हैज़ बीन शोन इन द मिडल ऑफ द स्काई हैज़ बीन शोन विद ब्लेंड ऑफ डार्क कलर्स, डार्क कलर को ब्लेंड करके स्काई को दिखाया गया है। इन दिस पेंटिंग द प्लैसिडिटी ऑफ कलर्स एंड रिदमिसिटी इन लीनियर डेलिनेशन इज कैपेबल टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ एनीवन। इसमें जो ये जो पेंटिंग किया गया है ये बहुत जल्दी सबका अट्रैक्शन ले लेता है। दिस पेंटिंग मैनिफेस्ट द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शैडो द क्वालिटीज ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्ट। ये यूरोपियन स्टाइल है आर्ट का, लाइट एंड शैडो जो पहले भी हम देख चुके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि लाइट एंड शैडो जो है वो यूरोपियन स्टाइल से है। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम लोग जो है आर्टिस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।